हाँ माय गॉड, मेडिकल रिपोर्ट ले लिया मेरा। रिपोर्ट लेके अभी जाएगा ये टॉम टॉम में। चलिए भैया आयो। गाइस टशी डिले, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। तो गाइस मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज एक्चुअली हम जा रहे हैं मेडिकल मेरा कुछ काम से, कुछ ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस इससे पहले भी मैंने बताया था मेरा कुछ ट्रीटमेंट चलेगा अभी थोड़ा दिन के लिए, तो उसके लिए चिरंग हम दोनों अभी मेडिकल जाएगा। तो मेडिकल जाने के लिए मैं रेडी कर रही थी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो खा। तो छिंग अभी बाथरूम में है, आने तो साथ में नहीं करते, ठीक है। तो गाइस अभी कैंप से बाहर निकल गया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी को हायर किया था, तो टैक्सी अभी तक आया नहीं है। और आज शायद ट्यूसडे है, तो जिसका कारण से मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही है। तो ये है लेकी लेकी संगमो, हमारा फैमिली फ्रेंड। तो उसके बाद अभी हम लोग टैक्सी का वेट कर रहा था, तो टैक्सी भी अभी आने वाला है। तो आ गया है टैक्सी, तो अभी टैक्सी में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वाला वीडियो में, मैं कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो गाइस ये मेडिकल काफ़ी बड़ा है, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो शायद ये गवर्नमेंट होगा, तो फिलहाल अभी गवर्नमेंट का अंदर तो नहीं आया बोला, मुझे इतना अच्छा तो नॉलेज नहीं है, बट ऐसा बोल रहा था। तो बाद में पूरा बनने के बाद देगा। तो गाइस ही अंदर इसका भी कुछ चेकअप था, तो वो मेरा जो फ्रेंड है लेकी वो भी आया हुआ है, उसका भी कुछ चेकअप था बोला। तो गाइस अभी देखते हैं क्या क्या करेंगे आज। इतना सुंदर आ रहा है, देखो ना, मजा आ रहा है ना, सब पार। अच्छा है ना, गंदे गाइस। ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, थोड़ा सा वो कहते चा पेचा और चूड़ा खा के आया था, तो भूख भी बहुत लगा। तो अभी हम लोग कैंटीन ढूंढ रहे हैं, कैंटीन जा में थोड़ा कुछ खा लेगा। हमने तो चा पेचा बनाया और पोहा, कुछ भी नहीं कैसे। ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं अभी हम ब्रेकफास्ट का। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट में मंगाया चपाती, उसके बाद में हल्का फुल्का सब्जी और छोले, तो ठीक ठाक ही था, खाने लायक था। तो वही है, पेट भर के थोड़ा खा लिया, क्योंकि सुबह सुबह खाया तो नहीं था रूम में, तो खा लिया। तो उसके बाद अभी शायद मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह, उसके बाद कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, तो ठीक है बताते हैं, अपडेट देते रहेंगे आपको। तो गाइस डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने काफ़ी सारा टेस्ट किया है। अभी यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए मैं आया हुआ हूँ, तो ब्लड टेस्ट में भी काफ़ी रश था। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड दिया है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए मैं प्राइवेट में गया था, तो ये यहाँ सिर्फ वेट कर रहा है। तो काफ़ी सारा टेस्ट है, तो शायद तो आज एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। फिर मेडिसिन लेने के लिए आया था मैं यहाँ पर, मेडिसिन भी दिया है, बहुत सारा मेडिसिन दिया हुआ है, तो शायद आज तो नहीं पाएगा। तो आज दोबारा हम लोग वापस घर जाएगा, घर जाके फिर उसका नेक्स्ट डे में रिपोर्ट वगैरह भी लेना है, प्लस और छिरिंग का एक दो टेस्ट जो बच गया था उसको भी कराना है, क्योंकि वो दो तीन दिन के बाद ही होगा बोला। तो फिर अभी दो तीन दिन बाद फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो अभी वही है, हम लोग थोड़ा सा तिनसुकिया में थोड़ा बैठा बैठने। तो गाय छिरिंग का नाइकी का शू आ गया है, खास एक्सपेंसिव शू। उसने बोला कि कभी जिंदगी में उसने इतने एक्सपेंसिव शू नहीं पहना बोलते, आज वो पार खींच रहे, वो पार पता नहीं पार खींच के क्या करेगा वो, हल्ला तो करना पड़ेगा ना। वाह शू तो बढ़िया आया, बोलो तो हम तो शेयर करेंगे ना। क्या शेयर करेंगे, तेरा उतरी लड़का लड़का का नहीं।
पहनती है, भूमू भी पहनते हैं। भूमू का पहन सके मेरे भाई ने पहनता था ना मेरे पास उसे जाने ये ले लो देखो कुछ नहीं है। वाह सुंदर है शू तो। चल भाग मत रहा हम तो कौन सकते हैं क्या महंगा कर रहे हैं 300 क्या महंगा कर रहे हैं क्या कर क्या कर। तो गाइस अभी चिरन हम तो नीचे आ रहा है मेडिकल, इसका कुछ रेट को दिखाएंगे और ये भी मैं बोल रहा हूं एक दिन में एक दिन एक दिन। तो ठीक है गाइस अभी मेडिकल जाएगा उसका बाद और एक रुपये हम आप इसे बताएं तो ठीक है लेना। ठीक है हम सुन क्या बोला हाँ खप नहीं होगा खप नहीं होगा अभी आखिर मार कर ऐसे फील हो रहा है आखिर मार कर फील हो रहा है। तो गाइस के वक्त आपका 7 दिन निकले किया हुआ है तो आएगा वो पूरा वो हो रहा है एकदम वो वाला मूवी का जैसे फील हो रहा है बोला क्या बोलते हैं अक्षय कुमार वाला मूवी गुड न्यूज़ वाला फील हो रहा है बोला। बाहर पूरा मौसम ऐसे पूरा काला होकर बैठे तो गाइस अभी हम दोनों अभी उसका जो जो टेस्ट मंगाया था ना वो अभी एक कंटेनर में उसने कलेक्ट कर लिया है सेमेन के लिए तो अभी वो 12:30 से 1 बजे का अंदर में ही वो कलेक्ट करेगा बोला। तो उसके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा समय था तो इसलिए थोड़ा अभी उसे कुछ कुछ खाने के लिए आ गया सामने में क्योंकि बहुत रश है गाइस देख सकते तो मैं खाती हूँ रसमलाई। तो गाइस यस मैंने एनालाइज के लिए हम लोग देने के लिए दोबारा से किया था तो गाइस हम लोग से एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया क्योंकि जो सेमन हम लोग को देना है वो मतलब कलेक्ट करने के साथ ही एनालाइज करने के लिए देना चाहिए और हम लोगों ने क्या किया कलेक्ट करके पूरा 1 घंटा जैसे बाहर घूमते रहा और जब मैंने इसे मतलब देने के लिए किया तो उन लोगों ने पूछा ये कब निकाला वो टाइमिंग पूछा तो गाइस टाइमिंग तो मैंने बताया दिया तो उन लोग ने बोला कि आप लोग 1 घंटा लेट हो गया इतना में तो ये जो अपने कंटेनर में लाया उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको आफ्टर फिर से 3-4 दिन के बाद आना होगा बोला। तो इस कारण हमारा मूड भी ख़राब हो गया तो लंच भी नहीं किया था डायरेक्ट अभी फिर हमें 300 मेडिकल मेरा रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाना था तो भूख भी लग गया था क्या करेगा तो रास्ते पे KFC था तो श्रृंग बोला चलो KFC खा के जाते हैं अभी उपाय भी नहीं है बोला तो ठीक है बोला तो अभी KFC खाते हैं फिर उसके बाद जाएंगे मेरा ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट आ गया होगा उस दिन जो मैंने ब्लड टेस्ट के लिए दिया था तो वो रिपोर्ट को मैं कलेक्ट कर लूँगी। और गाइस ये चिरिंग अभी ये KFC लेने के लिए गया है क्योंकि हमारा रेडी हो गया है गाइस तो अभी खाएंगे। आज वैसे भी मुझे लग ही रहा था कुछ ख़राब होने वाला है क्योंकि मैं जैसे सुबह को उठा था ना गाइस मेरा हाथ से मतलब गिर के ग्लास टूट गया ग्लास से सुबह सुबह डायरेक्ट फूट के ग्लास टूटना भी मतलब पता नहीं ग्रीप तो नहीं करते पर ऐसा लग रहा है कि हाँ उसी वो कुछ मतलब वो था कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है और बुरा हो ही गया क्योंकि हमको बार बार तो मिलता हम बताएगा कर भी जाके आप लोगों को अच्छे से बताएगा गाइस। हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ था कि अब हम लोग कुछ ट्रीटमेंट ले रहा है क्या चीज़ का ट्रीटमेंट है वो तो आप लोगों को मैं अभी रिवील नहीं कराऊंगी तो ये बात बात में आप लोगों को पता चल ही जाएगा क्या चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गाइस तो उसके लिए हम लोग टेस्ट वगैरह देने के लिए सिविल में गया था क्योंकि हमारा जो आर्मी में भी है फैसिलिटीज़ बट थोड़ा सा डिले होता है तो इसके लिए हम लोग किया है बाहर में किया था। तो वहाँ जाने के बाद मेरा तो सब कुछ ओके था मैंने मेडिकल कॉलेज 300 मेडिकल कॉलेज में जाके अपना सब कुछ दिया है
और जिम का जो था वो सिविल में होगा बोला, प्राइवेट में है, तो उसका दिल्ली के लिए किया था। मेरा भी एक प्राइवेट में था, तो वो मेरा एक और उसका एक उसका दो था, वो दोनों हम लोग प्राइवेट में दिल्ली के लिए किया था। तो दिल्ली मेरा तो ठीक हो गया होने के बाद, मतलब ठीक जो रिपोर्ट देना था वो आधे घंटे के बाद दे भी दिया है। फिर उसके बाद उसका एक था ब्लड टेस्ट था, और उसके बाद और एक टेस्ट था जिसके लिए, और एक जो टेस्ट है उसका तो अच्छे से मतलब वो लोग ने क्लियरिफिकेशन दिया ही नहीं, मतलब कैसे कैसे प्रोसेस है उसका, है ना। तो हम लोगों को पता नहीं, वो लोग ने बोला कि एक समन कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करने के बाद में उसको 12 PM से आपका 1 PM के अंदर में, 1 PM का अंदर में आप कभी भी कलेक्ट करके दे देना बोला। तो हम लोगों को एग्जैक्टली क्या बोला समझ में नहीं आया, तो हम लोग सोचा कि हाँ ऐसा एक महीने, हम दोनों ने सोचा कि 12 से 1 बजे के बीच में वो लोग शायद वो जिसको मतलब लेता है उस समय में उसको लेगा, तो उतना नॉलेज में आ गया। तो हम लोग सोचे कि चलो तुम्हारा जो समय है उसको तुम निकालो, निकालने के बाद 12 से 1 बजे का हम लोग दे देगा बोल के, तो उसको हम लोग ने ले लिया। लेने के बाद घूमने के लिए गया, घूमने के लिए गया सामने कॉफ़ी शॉप वगैरह था, तो वहाँ गर्मी भी बहुत है अभी आसाम में, तो थोड़ा सा ऐसा चिल विल करने के लिए सामने में कॉफ़ी शॉप था, तो वहीं पर जाके थोड़ा बैठेंगे, टाइम को ओवर करना है ना, तो इसलिए मतलब हम लोग वहाँ जाके थोड़ा चाय वगैरह पिया। तो पीने के बाद वापस से जब हम मेडिकल स्टोर में आए, मेडिकल में आया, तो मेडिकल में आने के बाद मैंने बोला कि हाँ हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, तो ये लीजिए बोल के मैंने बोला। तो उन लोगों ने आप लोगों ने ये चीज़ को कब कलेक्ट किया बोला, मैंने 11 बजे, और हम लोग देने गया था ठीक 1 बजे को, 12:30 ऐसे को। तो वो लोग ने बोला कि अभी ये नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों, बोला क्यों, तो वो लोग ने बोला कि नहीं इसको साथ ही साथ देना, आप लोगों को मैंने क्लियर से बताया था। बट ऑनेस्टली बोलूँ मुझे भी इतना तो नॉलेज है कि अगर कोई बोल रहा है तो वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहा है, वो तो मुझे भी समझ में आएगा है कि नहीं। बट उसका मतलब जैसे उन लोगों ने बोला ना, उससे तो वही लग रहा है कि आप लोग 12 से 1 बजे के बीच हम लोग को ये दे देना, तो उतना तो हमें भी पता होता है कि हाँ वो क्या बोल रहा है। तो उन लोग ने ऐसे बोला तो हम लोग भी बस हाँ 12 से 1 बजे के बीच में देना है, वो पता चल गया। बट क्या हो गया, अभी उपाय तो नहीं, हम लोगों ने गलती तो कर दिया है, अभी वो लोगों को चिल्ला के क्या करेगा, उपाय है ही नहीं। तो उन लोग ने ठीक अभी और 3-4 दिन के बाद बुलाया है, जो हम लोग ने कलेक्ट किया वो तो वेस्ट हो गया है, तो 3-4 दिन के बाद फिर से बुलाया है। तो ठीक है 3-4 दिन के बाद फिर से जाएंगे, जाने के बाद में देखते हैं क्या होता है आगे आगे। ठीक है, दिमाग खराब है, थोड़ा दिमाग खराब है, सपना का धुले भी हो सकता, सपना का बजे से दिमाग खराब हो गया, अभी हमें ये खा रहा जो भी हो ना, वो तुम मेरे ही हो आज, सुना सुना क्यों टेस्ट नहीं करेगा, टेस्ट करेगा हम क्यों वहाँ नहीं जाएगा बोला तू बड़ा डर होना, मेडिकल पूरा खाली है, ये कौन सा मेडिकल है गाइस, इतना पूरा खाली वाला मेडिकल, तो गाइस पूरा खाली है, मैं थोड़ा ना डरो ना गाइस, आयो वे, हाँ मैं
माय गॉड, मेडिकल रिपोर्ट ले लिया मेरा, रिपोर्ट लेके अभी जाएगा ये टॉम टॉम में। चलिए भैया आयो, हालत बुरा हो गया। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था, तो एक मुसीबत तो हो गया है, तो दोबारा से और एक मुसीबत आ गया। यहाँ हम लोग का कैंप से कैंप तक जाने वाला रास्ता का बीच में ये यूनियन वाला लोग ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है, पूरा रास्ता बंद कर दिया, मतलब चारों तरफ फोर साइड ऑफ डायरेक्शन चारों साइड से ही पूरा ब्लॉक करके रखा है। तो हम लोग इतना टेंशन हो रहा था क्योंकि कल ये सोलिनस का बर्थडे भी था और मुझे डांस का प्रैक्टिस भी करना था जो कि नहीं हो पाया है। हमारा पूरा समय तो यहीं चला गया एकदम शाम तक, और कुछ मतलब मार्केट से सामान वगैरह भी खरीदना था कल का तैयारी के लिए, तो नहीं हो पाया। पूरा मैंने बोला ना आज का दिन ही मेरे लिए पूरा ख़राब है। और यहाँ पे पता नहीं कौन एक मतलब रिक्वेस्ट करके गाड़ी लेके निकल के जा रहा था, तो उसको सारा लोग पकड़ के ऐसा धुलाई मारा ना, मत पूछो। अभी आधा घंटा जैसा कुछ हुआ है, तो डिनर बनाने के लिए भी रेडी कर रहे हैं, डिनर बना रहे हैं इधर में, तो पूरा थके बैठे गाइस, पूरा एकदम पूरा थके बैठे। श्रिंग ने भी हेल्प कर दिया मेरा, बर्तन वर्तन थोड़ा बहुत धोने में, सब्जी वब्जी काटने में वो थोड़ा हेल्प कर दिया। और बेचारा वो अपना ड्यूटी भी जाके आया है, ड्यूटी जाके आके मेरा मदद वगैरह कर दिया उसने, तो बर्तन भी था थोड़ा बहुत धो दिया उसने। तो उसके बाद अभी मैं फटाफट से डिनर बनाऊंगी, डिनर बना के खाएगा, उसके बाद में रेस्ट करेगा। और तो गैस कल तो आप लोगों को पता ही होगा 6 जुलाई है हमारा ही सोलिनस दलाई लामा जी का बर्थडे है, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं। और गाइस मैं वहाँ पे एक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, सॉरी कर रही हूँ, हमारा तिब्बतन सॉन्ग उसमें मैं एक परफॉर्म करूँगी, ऐसा तो नहीं बहुत अच्छा बोल के नहीं, बस ऐसे हमारा तरफ से एक परफॉर्मेंस देगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम हम तिब्बतन डांस अटेम्प्ट कर रहा है, तो आई होप अच्छा हो गाइस। तो वो वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वो मिलिट्री एरिया का अंदर का होगा, तो वो हम लोग के लिए प्राइवेसी होता है, उसको हम वीडियो को शूट नहीं कर सकते और हम लोग यहाँ पे यूट्यूब में अपलोड भी नहीं कर सकते। तो गाइस उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर सकूँगी, बट हाँ बताऊँगी कैसा कैसा हुआ क्या हुआ, तो वो वीडियो मैं अलग से बनाएगा कल का, हमारा ही सोलिनस दलाई लामा जी को हमने कैसे सेलिब्रेट किया है क्या किया है, थोड़ा बहुत जितना हो सके हम कैप्चर करने के लिए कोशिश करेगा, जो जो मेरा उसमें है मतलब कर सकते हैं, तो इसलिए ठीक है गाइस। थोड़ा बहुत मेरे ये बना दिया, तो ये बैकग्राउंड को जो रेडी करके रखा था, तो यहाँ से गार्लिक जिंजर और क्या बोलते हैं गार्लिक जिंजर टमाटर और मिर्चा करा दो, तो इसको ठीक है फटाफट करते हैं फ्राई करके खाई। तो गाइस हम लोगों ने खाना वाना बना के भी खा लिया था, तो थक गया था तो इसलिए वीडियो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया था, क्योंकि दिन भर इतना सारा कुछ मतलब एक तो बाहर एक तो गर्म, फिर उसके बाद से स्ट्रेस इतना ज़्यादा, फिर इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, फिर उसके बाद में रोड ब्लॉक वगैरह काफ़ी कुछ हो गया था उस दिन को। तो ठीक है अगर वीडियो कुछ नहीं, वीडियो इतना तक ही था और पुराना वीडियो था जो कि मैंने आज एडिट करके आप लोगों को दिखाया है, तो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, और थैंक यू आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मेरा छोटा सा फैमिली थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जा रहा है, तो ठीक है गाइस उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और इस तरह से आप लोग मेरे वीडियो को देखना और अच्छा कर मतलब अच्छा अच्छा लगा हो तो और भी मैं बनाएगा अच्छा अच्छा वीडियो, तो ठीक है, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।